अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 53 है। रीकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल लिंक्स के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ करना सीखा था। हमने बात की थी कि जब आप कोई भी हाइपर टेक्स्ट लिंक अपने वेब पेजेस के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर लगाते हो तो उसको आप न्यू टैब के अंदर कैसे ओपन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने हेलो एवरीवन विजिट फेसबुक डॉट कॉम के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास फेसबुक डॉट कॉम न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ है। वरना अगर हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते तो उससे हमारा कोई भी नेक्स्ट वेब पेज, मतलब कोई भी हम हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज हमारा इसी के ऊपर ओपन हो जाता है, करंट वेब पेज के ऊपर ही। और जो करंट ये वाला वेब पेज है, मतलब जिसके ऊपर आप मौजूद होते हो, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आपके पास आपका प्रीवियस वेब पेज भी ओपन रहता है और नेक्स्ट टैब के अंदर आपके पास न्यू वेब पेज भी ओपन हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था और उसका कोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आपके सामने है। अब आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी इमेज को एज अ हाइपर टेक्स्ट, ऐसा किसी भी इमेज को लिंकेबल कैसे बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है ये लिंकेबल है, क्लिकेबल है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे जंप करके जा रही हूँ। इसी तरह से बहुत सारे इमेजेस ऐसी होती हैं, बहुत सारी आप कहो इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये एक जी का इमेज शो रहा है, यूट्यूब का इमेज शो रहा है यहाँ पर। या मैं आपको इमेजेस बाकायदा तौर पर सर्च करके दिखा देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ लैपटॉप, ठीक है। जैसे ही मैंने लैपटॉप लिखकर एंटर प्रेस किया और मैं जाती हूँ यहाँ से इमेजेस के अंदर तो मेरे पास लैपटॉप्स की काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो आप देख रहे हैं अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर हैंड बना हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं एक न्यू नेक्स्ट वेब पेज के ऊपर जंप करके गई हूँ। अगर आप इसी टाइप का अपने वेब पेज के ऊपर कुछ चाहते हो कि आप कोई इमेज लगाओ और उसके ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर उसके साथ कोई नेक्स्ट वेब पेज को लिंक करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे कि आपने कोई भी इमेज लगाई और उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक कोई नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह की कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ऐड कर रही हूँ बॉडी टैग के अंदर। इस वक्त मैं बॉडी टैग के अंदर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग 2 दी है, इमेज एज अ लिंक। हम किसी भी इमेज को के साथ नेक्स्ट वेब पेज को लिंक करना सीखेंगे, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ कि जो मेरी इमेज है उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाए फ़ाइज़ा वसीम, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ए टैग लगा रही हूँ, एंकर टैग। उसके बाद हमने एच रेफ लिखा है इज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में आपने वो लिंक देना है, उस वेब पेज का लिंक देना है जिसको आप ओपन करवाना चाहते हो, ठीक है। उसके अंदर इस ए टैग को का ओपनिंग टैग ख़त्म होने के बाद आपने इमेज का टैग दिया है जी, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इमेज का टैग दिया है। इमेज में मेरे पास सोर्स यानी कि वो इमेज कहाँ पर मौजूद है मैं आपको दिखा देती हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास इमेजेस के नाम से ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये abc.jpg इसका एक्सटेंशन है, abc के नाम से ये मेरे पास इमेज मौजूद है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये वाली इमेज मेरे पास, इस वाली इमेज को मैं एज अ लिंक यूज़ करूँ तो मैंने क्या किया है कोडिंग के अंदर, इसको मैंने सोर्स दिया है, इमेजेस मेरा फोल्डर का नाम है, /abc मेरी फाइल का नाम है, .jpg एक्सटेंशन है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। उसके बाद यहाँ पर मैं इनलाइन स्टाइलिंग दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसकी जो विड्थ आए मेरे पास वो आए फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल, ठीक है, या हम इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। और जो इसकी हाइट मैं चाह रही हूँ वो भी मैं चाह रही हूँ मेरे पास 100 पिक्सल आए, ठीक है। इमेज टैग को मैंने, आप गौर करें, ए टैग के अंदर दिया है, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिंकेबल बनाना चाहती हूँ, क्लिकेबल बनाना चाहती हूँ। इसको मैंने किया सेव, कंट्रोल एस प्रेस करके, ब्राउज़र को करते हैं चल के रिफ्रेश और रिज़ल्ट देखते हैं किस टाइप का आता है। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में मेरे पास एक हेडिंग 2 आ गई, मैंने हेडिंग 2 लगाई थी इमेज एज अ लिंक और ये मेरे पास एक इमेज आ गई,
ठीक है। अब जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे पास मेरा फ़ाइज़ा वसीम यूट्यूब चैनल ओपन हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिंक के ऊपर आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड किया है, www.youtube.com/faizawaseem, और जितना भी इसका टेक्स्ट वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो अब आप देखिएगा मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ा वसीम ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुका है। इसी तरह अगर आप कोई और वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस मेथड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। किसी भी इमेज के ऊपर आप कोई वेब पेज कनेक्ट करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं इसको स्टाइलिंग ना दूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी स्टाइलिंग रिमूव कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा देख लेते हैं। ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख रहे हैं इसका साइज़, मेरे पास जो इसका साइज़ था ऑटोमेटिकली मैंने इसको विड्थ हाइट रिमूव कर दी, तो जो इसका एक्चुअल साइज़ था वो यहाँ पर आ गया। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दी थी ताकि आपको ये प्रॉपरली नज़र आ सके। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 500 पिक्सल देना चाहें, इसको भी हम 500 पिक्सल कर देते हैं, और इसको थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए, हेडिंग को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर हेडिंग वन का साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ हेडिंग वन के बाद मेरे पास थोड़ा सा गैप आए, तो उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, BR टैग, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब आप गैप चाहते हैं तो कुछ लाइन्स का, तो वहाँ पर आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज जो है वो यहाँ पर आ गई है, और इस इमेज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मेरा फ़ाइज़ा वसीम पेज ओपन हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।